जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के अध्याय 15 की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है ऋचिक, जमदग्नि और परशुराम जी की कथा। इससे पिछले अध्याय की कथा में आपने राजा पुरुरवा और उर्वशी अप्सरा की कथा सुनी है, अब उससे आगे की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे परीक्षित, उर्वशी के गर्भ से पुरुरवा के 6 पुत्र हुए हैं, आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। श्रुतायु का पुत्र था वसुमान, सत्यायु का श्रुतंजय, रय का एक और जय का अमित, विजय का भीम, भीम का कांचन, कांचन का होत्र और होत्र का पुत्र था जनु। जनु वही थे जो गंगा जी को अपनी अंजलि में लेकर पी गए थे। जनु का पुत्र था पुरु, पुरु का बलाक और बलाक का अजक, अजक का कुश था। कुश के 4 पुत्र थे, कुशाम्बु, तनय, वसु और कुशनाभ। इनमें से कुशाम्बु के पुत्र गादी हुए हैं। हे राजा परीक्षित, गादी की कन्या का नाम सत्यवती था। ऋचिक ऋषि ने गादी से उनकी कन्या मांगी। गादी ने यह समझकर कि ये कन्या के योग्य वर नहीं है, ऋचिक से कहा है, हे मुनिवर, हम लोग कुशिक वंश के हैं, हमारी कन्या मिलनी कठिन है, इसलिए आप 1000 ऐसे घोड़े लाकर मुझे शुल्क रूप में दीजिए, जिनका सारा शरीर तो श्वेत हो परंतु एक एक कान श्याम वर्ण का हो। जब गाधी ने यह बात कही तब ऋषिक मुनि उनका आशय समझ गए और वरुण के पास जाकर वैसे ही घोड़े ले आए तथा उन्हें देकर सुंदरी सत्यवती से विवाह कर लिया। एक बार महर्षि ऋचिक से उनकी पत्नी और सास दोनों ने ही पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है। महर्षि ऋचिक ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करके दोनों के लिए अलग अलग मंत्रों से चरु पकाया और स्नान करने के लिए चले गए हैं। सत्यवती की मां ने यह समझकर कि ऋषि ने अपनी पत्नी के लिए श्रेष्ठ चरु पकाया होगा, उससे वह चरु मांग लिया। इस पर सत्यवती ने अपना चरु तो माँ को दे दिया और माँ का चरु वह स्वयं खा गई है। जब ऋचिक मुनि को इस बात का पता चला तब उन्होंने अपनी पत्नी सत्यवती से कहा कि तुमने बड़ा अनर्थ कर डाला है, अब तुम्हारा पुत्र तो लोगों को दंड देने वाला घोर प्रकृति का होगा और तुम्हारा भाई होगा एक श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता। सत्यवती ने ऋचिक मुनि को प्रसन्न किया और प्रार्थना की है कि हे स्वामी, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई है। तब ऋचिक ऋषि कहने लगे हैं, अच्छी बात है, पुत्र के बदले तुम्हारा पुत्र वैसा घोर प्रकृति का होगा। समय पर सत्यवती के गर्भ से जमदग्नि का जन्म हुआ है। सत्यवती समस्त लोकों को पवित्र करने वाली परम पुण्यमयी कोशिकी नदी बन गई। रेणु ऋषि की कन्या थी रेणुका, जमदग्नि ने उसका पानी ग्रहण किया है। रेणुका के गर्भ से जमदग्नि ऋषि के वसुमान आदि कई पुत्र हुए हैं, उनमें सबसे छोटे परशुराम जी थे। उनका यश सारे संसार में प्रसिद्ध है। कहते हैं कि है वंश का अंत करने के लिए स्वयं भगवान ने ही परशुराम जी के रूप में अंशावतार ग्रहण किया था। उन्होंने इस पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन कर दिया। यद्यपि क्षत्रियों ने उनका थोड़ा सा ही अपराध किया था, फिर भी वे लोग बड़े दुष्ट, ब्राह्मणों के अभक्त, रजोगुणी और विशेष करके तमोगुणी हो रहे थे। यही कारण था कि वे पृथ्वी के भार हो गए थे और इसी के फल स्वरूप भगवान श्री परशुराम जी ने उनका नाश करके पृथ्वी का भार उतार दिया। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे भगवान, अवश्य ही उस समय के क्षत्रिय विषय भोगों में आसक्त हो गए होंगे, परंतु उन्होंने परशुराम जी का ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्होंने बार बार क्षत्रियों के वंश का संहार किया है। राजा परीक्षित की इस बात को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं,
हे राजन, उन दिनों हे वंश का अधिपति था अर्जुन। वह एक श्रेष्ठ क्षत्रिय था। उसने अनेकों प्रकार की सेवा शुश्रूषा करके भगवान नारायण के अंशावतार दत्तात्रेय जी को प्रसन्न कर लिया और उनसे 1000 भुजाएं तथा कोई भी शत्रु युद्ध में पराजित ना कर सके यह वरदान प्राप्त कर लिया। साथ ही इंद्रियों का अबाध बल, अतुल संपत्ति, तेजस्विता, वीरता, कीर्ति और शारीरिक बल भी उसने उनकी कृपा से प्राप्त कर लिए थे। वह योगेश्वर हो गया था। उसमें ऐसा ऐश्वर्य था कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप धारण कर लेता। सभी सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली थी। वह संसार में वायु की तरह सब जगह बेरोक टोक विचरा करता। एक बार गले में वह जंती माला पहने सहस्त्र बाहु अर्जुन बहुत सी सुंदरी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी के जल में विहार कर रहा था। उस समय मदोन्मत्त सहस्त्र बाहु ने अपनी बाहों से नदी का प्रवाह रोक दिया। दशमुख रावण का शिविर भी वहीं कहीं पास में ही था। नदी की धारा उल्टी बहने लगी जिससे उसका शिविर डूबने लगा। रावण अपने को बहुत बड़ा वीर तो मानता ही था, इसलिए सहस्त्र अर्जुन का यह पराक्रम उससे सहन नहीं हुआ। जब रावण सहस्त्र बाहु अर्जुन के पास जाकर बुरा भला कहने लगा, तब उसने स्त्रियों के सामने ही खेल खेल में रावण को पकड़ लिया और अपनी राजधानी महिष्मतीपुरी में ले जाकर बंदर के समान उसको कैद कर लिया। पीछे पुलस्त्य जी के कहने से सहस्त्र बाहु ने रावण को छोड़ दिया। एक दिन की बात है, सहस्त्र बाहु अर्जुन शिकार खेलने के लिए बड़े घोर जंगल में निकल गया था। देववश वह जमदग्नि मुनि के आश्रम पर जा पहुंचा। परम तपस्वी जमदग्नि मुनि के आश्रम में कामधेनु रहती थी। उसके प्रताप से उन्होंने सेना, मंत्री और वाहनों के साथ हैयाधिपति का खूब स्वागत सत्कार किया है। वीर हैयाधिपति ने देखा कि जमदग्नि मुनि का ऐश्वर्य तो मुझसे भी बड़ा चढ़ा है, इसलिए उसने उनके स्वागत सत्कार को कुछ भी आदर ना देकर कामधेनु को ही लेना चाहा। उसने अभिमानवश जमदग्नि मुनि से मांगा भी नहीं, अपने सेवकों को आज्ञा दी कि कामधेनु को छीन कर ले चलो। उसकी आज्ञा से उसके सेवक बछड़े के साथ बां-बां डकराती हुई कामधेनु को बलपूर्वक महिष्मतीपुरी में ले गए। जब वे सब चले गए तब परशुराम जी आश्रम पर आए और उसकी दुष्टता का वृतांत सुनकर चोट खाए हुए सांप की तरह क्रोध से तिल मिला उठे हैं। वे अपना भयंकर फरसा, तरकस, ढाल और धनुष लेकर बड़े वेग से उसके पीछे दौड़े, जैसे कोई किसी से ना दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पड़े। सहस्त्र बाहु अर्जुन अभी अपने नगर में प्रवेश कर ही रहा था कि उसने देखा परशुराम जी महाराज बड़े वेग से उसी की ओर आ रहे हैं। उनकी बड़ी विलक्षण झांकी थी। वे हाथ में धनुष, बाण और फरसा लिए हुए थे। शरीर पर काला मृग चर्म धारण किए हुए थे और उनकी जटाएं सूर्य की किरणों के समान चमक रही थी। उन्हें देखते ही उसने गदा, खड़ग, बाण, रिष्टि, शतधनी और शक्ति आदि आयुधों से सुसज्जित और हाथी, घोड़े, रथ तथा पदातियों से युक्त अत्यंत भयंकर 17 अक्षौणी सेना भेजी है। भगवान परशुराम जी ने बात की बात में अकेले ही उस सारी सेना को नष्ट कर दिया है। भगवान परशुराम जी की गति मन और वायु के समान थी। बस वे शत्रु की सेना काटते ही जा रहे थे। जहां जहां वे अपने फरसे का प्रहार करते, वहां वहां सारथी और वाहनों के साथ बड़े बड़े वीरों की बाहें, जांघें और कंधे कट कट कर पृथ्वी पर गिरते जाते थे। उस समय सहस्त्र बाहु अर्जुन ने देखा कि मेरी सेना के सैनिक उनके धनुष, ध्वजाएं और ढाल भगवान परशुराम जी के फरसे और बाणों से कट कट कर खून से लथपथ रणभूमि में गिर गए हैं। तब उसे बड़ा क्रोध हो आया और वह स्वयं युद्ध के लिए आ धमका। उसने एक साथ ही अपनी 1000 भुजाओं से 500 धनुषों पर बाण चढ़ाए और परशुराम जी पर छोड़े हैं। परंतु परशुराम जी तो समस्त शस्त्रधारियों के शिरोमणि ठहरे।
उन्होंने अपने एक धनुष पर छोड़े हुए बाणों से ही एक साथ सबको काट डाला। अब सहस्त्रबाहु अर्जुन अपने हाथों से पहाड़ और पेड़ उखाड़ कर बड़े वेग से युद्ध भूमि में परशुराम जी की ओर झपटा है, परंतु परशुराम जी ने अपनी तीखी धार वाले फरसे से बड़ी फुर्ती के साथ उसकी सांपों के समान भुजाओं को काट डाला। जब उसकी बाहें कट गई तब उन्होंने पहाड़ की चोटी की तरह उसका ऊंचा सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता के मर जाने पर उसके 10,000 पुत्र डर कर भाग गए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, विपक्षी वीरों के नाशक परशुराम जी ने बछड़े के साथ कामधेनु गाय वापस ले ली है। वह बहुत ही दुखी हो रही थी, उन्होंने उसे अपने आश्रम पर लाकर पिताजी को सौंप दिया है और महिष्मति में सहस्त्रबाहु ने तथा उन्होंने जो कुछ किया था सब अपने पिताजी तथा भाइयों को कह सुनाया। सब कुछ सुनकर जमदग्नि मुनि ने कहा है, हाय हाय परशुराम, तुमने बड़ा पाप किया है। राम राम, तुम बड़े वीर हो, परंतु सर्वदेवमय नरदेव को तुमने व्यर्थ ही मार डाला, उसका व्यर्थ में ही वध किया है। हे पुत्र, हम लोग ब्राह्मण हैं, क्षमा के प्रभाव से ही हम संसार में पूजनीय हुए हैं, और तो क्या, सबके दादा ब्रह्मा जी भी क्षमा के बल से ही ब्रह्म पद को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मणों की शोभा क्षमा के द्वारा ही सूर्य की प्रभा के समान चमक उठती है। सर्वशक्तिमान श्री हरि विष्णु भगवान भी क्षमावानों पर ही शीघ्र प्रसन्न होते हैं। हे पुत्र, सार्वभौम राजा का वध ब्राह्मण की हत्या से भी बढ़कर है। जाओ, भगवान का स्मरण करते हुए तीर्थों का सेवन करके अपने पापों को धो डालो। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 15वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। इस कथा में परशुराम जी का चरित्र विशेष रूप से बताया गया है, तो अगले अध्याय में भी परशुराम जी की ही कथा आएगी और विश्वामित्र जी के वंश की कथा आएगी। आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इन सभी कथाओं को आप सुनते रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण जी का ही दूसरा स्वरूप है। जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है उस पर श्री कृष्ण भगवान जी अनंत कृपा करते हैं, उस पर राधा रानी की भी अनंत कृपा होती है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।